भारत चीन मसले पर अमेरिका को पंचायती करना पड़ा महंगा, ना चाहते हुए भी चीन ने कर डाला शानदार काम। भारत पर भौंकने वाले इमरान खान पर मंडराई मौत, जान बचाने के लिए इमरान खान जुटा रहा जुगाड़। दोस्तों आपको मालूम है, एक और दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध में धधक रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका जो पूरी दुनिया का चौधरी बनकर घूम रहा है, उसकी चौधराई पर अब भारत और चीन का पंजा पड़ गया है। दोस्तों भारत और चीन के मसले पर अमेरिका बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। आपको पता है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सहारा लेकर कई संगठन बनाए हैं, जिसमें से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को कठोर सजा देने के लिए क्वाड नामक संगठन का भी गठन किया गया है। लेकिन अमेरिका किसी भी देश का साथ क्यों देता है, यह आप सब जानते हैं। अमेरिका बस केवल और केवल अपना फायदा देखना चाहता है। और यूक्रेन का मसला हो, अफगानिस्तान का हो, या सीरिया या ईरान इराक का, अमेरिका ने सब जगह अपनी भद पिटवाई है और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ा दी है। अब यही अमेरिका दोस्तों जो चीन और भारत के बीच मसला है, इसमें डोकलाम विवाद और उसके बाद जून 2020 में गलवान घाटी हिंसा काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच काफी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और एक समय ऐसा लगना शुरू हो गया था कि दो महाशक्तियां आपस में भयंकर रूप से टकरा सकती है। अमेरिका इसका फायदा उठाकर अपनी रोटी सेकना चाहता था, लेकिन अब उसको पंचायती करना महंगा पड़ गया है। हालांकि आपको पता है चीन भी ऐसा कोई दूध से धुला देश नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी है, कुछ ऐसी बातें भी है जहां पर हमें चीन का समर्थन करना पड़ता है। आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे कि आखिर किस प्रकार से अमेरिका ने अपनी भद पिटवा ली है, क्यों अमेरिका अपनी ही नजरों में गिर गया है, और आखिर क्यों चीन ने अमेरिका को बुरी तरह से लताड़ा है। सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, भारत माता और भारत के वीर जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों चीन ने भारत चीन बॉर्डर मसले पर अमेरिका को लताड़ लगाई। आपको बता दूं कि चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वु कियान ने बीजिंग में मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन और भारत पक्ष बातचीत और परामर्श के जरिए बॉर्डर मसले को ठीक से संभालने के लिए सहमत हुए हैं। हम तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं, पर आपको पता है वह तीसरा पक्ष है कौन, जो दो देशों के बीच विवाद को अपने फायदे के लिए बढ़ाना चाहता है। कहने को तो वह हल निकालने की बात करता है, लेकिन अंत में नजारा कुछ और होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण पिछले काफी समय से हम लगातार देख भी रहे हैं। दरअसल दोस्तों चीन के इस अधिकारी कर्नल वु ने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के लिए अमेरिकी सहायक रक्षा सचिव एली रेटनर की कमेंट पर टिप्पणी की है, जिन्होंने कहा था कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीनी पक्ष से गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है, जिस पर अमेरिका कड़ी नजर रख रहा है। दोस्तों अमेरिका के इस बयान के बाद चीन भड़क गया, और आपको पता है भारत भी बिचौलियों से सख्त नफरत करता है और साफ साफ कह चुका है कि अगर वह किसी भी चीज का हल निकाले तो आमने सामने की मीटिंग से निकालेगा। वह युद्ध के पक्ष में नहीं है और ना ही विवाद के पक्ष में। भारत हमेशा से अहिंसा का पुजारी रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान परशुराम की तरह ब्राह्मण होते हुए भी अस्त्र शस्त्र उठाना जानता है। इसके अलावा दोस्तों चीन के इस अधिकारी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन भारत बॉर्डर मसला चीन और भारत के बीच का मामला है। दोनों पक्ष किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करते हुए बातचीत और परामर्श के जरिए सीमा मुद्दे को ठीक से संभालने के लिए सहमत हुए हैं। बता दें कि 11 मार्च को चीन और भारतीय सेना ने भारत में मोल दो चुसूल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर चीन भारत कोर कमांडर स्तर की 15वीं बैठक की थी। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने मसले के समाधान को बढ़ावा देने के लिए बातचीत जारी रखने पर चर्चा की। वहीं चीन के इस अधिकारी ने कहा कि बैठक सकारात्मक और रचनात्मक थी। दोनों पक्षों ने दोहराया कि बचे हुए मसले के समाधान से क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आप चीन के इस बयान को जो अमेरिका पर आया है किस नजर से देखते हैं, क्योंकि काफी हद तक यह बयान इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर भारत चीन के तनाव में कोई दूसरा देश अड़ंगा डाल देता है तो विवाद कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगा, और इससे दोनों ही देशों को भारी नुकसान हो सकता है, जैसा कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं। ऐसे में कमेंट करके अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अब ये जो खबर निकल कर आ रही है ये सीधे पाकिस्तान से आ रही है और ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी है जो भारत के लिए हमेशा बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, यह कर लेंगे वो कर लेंगे भारत का, लेकिन भारत का एक बाल तक नहीं उखाड़ पाया। हर प्रकार से भारत को घेरने की इमरान खान ने कोशिश की है। जब तक कश्मीर और भारत पर इमरान खान रोना नहीं रो देता तब तक उसका सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह इमरान खान की जिंदगी के सूर्य को अस्त करने वाली है। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहा है और ना जाने क्या क्या जुगाड़ लगा रहा है बचने के लिए, जीने के लिए, और सोच रहा है कि इससे तो कहीं अच्छा उसका क्रिकेट था जिसमें वह खुश था। परंतु पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री पर अब मौत ने डेरा डाल दिया है और इस चीज की पुष्टि खुद पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने की है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जान का खतरा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि खुफिया एजेंसियों ने पीएम इमरान खान की हत्या की साजिश की सूचना दी है, जिसके बाद इमरान खान की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता फैसल वावदा ने इसी तरह के दावे किए थे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वावदा ने दावा किया था कि देश को बेचने से इनकार करने पर पाकिस्तान पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। पत्र में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र करते हुए वावड़ा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि खान को इस्लामाबाद के परेड मैदान में अपनी रैली के दौरान बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि मेरी मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहता है, इसके बारे में चिंता न करें। गुरुवार को राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को हटाने के लिए विदेश से साजिश रची जा रही है। इमरान खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक विदेशी राष्ट्र ने हमें संदेश भेजा कि इमरान खान को हटाने की जरूरत है, अन्यथा पाकिस्तान को परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान की जुबान फिसल गई और उन्होंने विदेशी साजिश के पीछे अमेरिका का नाम ले लिया है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी इसी प्रकार की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।